उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्मी और पंजाब में चल रही राजनीति के बीच शायद ही मीडिया ने आपको बताया होगा कि पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए। पेट्रोल के दाम 19 से 25 पैसा प्रति लीटर बढ़े हैं और डीजल 24 से 27 पैसा प्रति लीटर। देश की जनता को देश के मुद्दे मेनस्ट्रीम मीडिया से ही पता चलते हैं, तो देखते हैं देश की बात करने वाला मीडिया किन मुद्दों में व्यस्त है। कन्हैया कुमार चले गए सर उधर कांग्रेस पार्टी में, क्या डूब रही है कांग्रेस पार्टी? जिस व्यक्ति पे देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, राहुल गांधी ने इस देश को तोड़ने वाले गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग को वापस ले लिया, बोले आ जाओ। एक वक्त पर वो वाम दल के थे, वहाँ किनारे हो गए, अब कांग्रेस के प्यारे हो गए। कंफ्यूजन का ये दौर है या कांग्रेस में एक्सपीरियंस की कमी हो गई है? लेकिन हमारे गांव में कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बारह आना। अगर ये मेवानी और कन्हैया जो जहर है, ये जहर किसी ने दिया थोड़ी है पीने के लिए, खुद ब खुद कांग्रेस अगर पी ले और बोले हम भोले शंकर बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये राजनीतिक ज्ञान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का क्या इतना लिमिटेड है क्या? कांग्रेसियों को पंजाब में समझ नहीं आ रहा, हरीश रावत ने पानी नहीं पिया है दोपहर से। गुरु के चक्कर में हिट विकेट हो गई कांग्रेस, आज दिल आपका रो रहा है। किलो के हिसाब से कांग्रेस में इस्तीफे आ रहे हैं, लेकिन रंग में भंग डालने का काम आज नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कर दिया गया। जब भले ही ज्यादातर मीडिया चैनल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को नजरअंदाज करते हैं, पर कुछ मीडिया वाले हैं जो अभी भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में इस मुद्दे को उठाया। मुंबई के लोग तो मई के महीने से 100 रुपए लीटर से अधिक पेट्रोल खरीद रहे हैं। आज तो मुंबई में 107 रुपए 47 पैसे लीटर पेट्रोल है। दिल्ली में जुलाई के महीने में पेट्रोल का भाव 100 रुपए लीटर हुआ था, आज 101 रुपए 39 पैसे लीटर है। दिल्ली में किन्हीं अज्ञात कारणों से 2 महीने तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन आज मंगलवार को 20 पैसा बढ़ गया। पिछले 5 दिनों में डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी से वृद्धि आई, 4 महीने में $70 प्रति बैरल से बढ़कर $80 प्रति बैरल हो गया है। कहा जा रहा है कि और बढ़ेगा। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल से भी अधिक था, तब तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर नहीं हुआ, 73 रुपया ही था, लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई थी। इस तरह आप कभी GST, कभी टैक्स, कभी अंतर्राष्ट्रीय कारणों के नाम पर शटल कॉर्क की तरह ढल गया दिन ढल गई शाम, जाने दो जाना है गाते रहते हैं और 100 रुपया लीटर पेट्रोल भराते रहते हैं। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में ऑयल बॉन्ड की किस्तों में ब्याज के भुगतान का बोझ मोदी सरकार पर है, जिसके कारण तेल की कीमतें कम करना संभव नहीं है। हालांकि अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो सरकार अभी पेट्रोल डीजल से इतना कमा चुकी है कि आसानी से ऑयल बॉन्ड की किस्तों में ब्याज का भुगतान कर सकती है। ऑयल बॉन्ड्स को लेकर जानकारी यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के जरिए दी। तो 2005 से लेकर 2012 तक का जो समय था, उसके बीच में 1.44 लाख करोड़ रुपीस की ऑयल बॉन्ड्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई थी OMCs को। जब बीजेपी पावर में आई 2014 के बाद, इसमें से 1.34 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट अभी भी ड्यू था। 2015 में 2 बॉन्ड्स मैच्योर कर गई थी, लेकिन उनका अमाउंट टोटल में सिर्फ 3500 करोड़ रुपीस था। तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो अभी भी 1.31 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। तो अगर कोई भी ऑयल बॉन्ड मैच्योरिटी डेट रीच नहीं करी है, तो सरकार को अभी तक 2015 के बाद से किसी भी ऑयल बॉन्ड को रीपे नहीं करना पड़ा है। हालांकि इंटरेस्ट जरूर पे करना पड़ता है और इंटरेस्ट है अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। 2021 में हम आए तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बड़े भारी नंबर से बढ़ा दिए, जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था। तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार की टैक्स कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई हैरान हो जाएंगे आप नंबर जानकर। ये नंबर है 3.35 लाख करोड़ रुपीस। इमेजिन कीजिए, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि सरकार को जितनी ऑयल बॉन्ड्स की रीपेमेंट करनी है कांग्रेस के टाइम से, वो सारी रीपेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी सिर्फ इसी साल की कमाई से, और उसके बाद भी 2 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे सरकार के पास, जो सरकार बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने रविवार को LPG का इंडियन कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया। इस सिलेंडर में गैस की मात्रा का आसानी से पता चल जाता है, जिससे ग्राहक अपनी अगली बुकिंग आसानी से कर सकेंगे। 10 किलो का सिलेंडर केवल घरेलू गैर सब्सिडी श्रेणी के तहत बेचा जा रहा है, जबकि 5 किलो का सिलेंडर घरेलू गैर सब्सिडी श्रेणी के तहत उपलब्ध है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जिनको 14 किलो के एक सिलेंडर के दाम ज्यादा लग रहे हैं, वे अब 10 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं अपनी नई पैकिंग के साथ। पेट्रोल की कीमतों को लेकर ट्विटर पर लोग फोटो शेयर कर ट्वीट भी कर रहे हैं। एक एक कर कुछ ट्वीट देखते हैं। एक यूजर ने एक फोटो शेयर कर लिखा, नो प्रॉब्लम विल बी अवेलेबल इन सेशन। एक यूजर ने यही फोटो शेयर कर लिखा,
sometimes some big problems solutions come in small parts. This could be our future too. एक यूजर ने लिखा, this is the future of petrol in India. इसके अलावा कुछ पत्रकारों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम जनता से सवाल किया. देखते हैं उन्हें क्या जवाब मिला. विकास कहाँ होगा सर, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन विनाश कर रहे हैं जरूर. जी बिल्कुल. मैंने तो बल्कि पेट्रोल के साथ अब एक सीएनजी गाड़ी अलग से ऑप्ट कर लिया है कि जहाँ दूर जाना है सीएनजी गाड़ी पे जाता हूँ मैं. जेब तो खाली होती है, बहुत खाली होती है, लेकिन अब चूंकि मुझे अपने बच्चे को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए लेके जाना है, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसको लेके जा नहीं सकती हूँ. ठीक है, तो बस मजबूरी में गाड़ी निकाला है. आदत नहीं पड़ी थी, मजबूरी है, कहीं जाना पड़ता है जिंदगी मौत में, तो जब डलवाना ही पड़ता नहीं, गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रहती हैं. अब भी मैंने 2 महीने में गाड़ी निकाली आज भी. अच्छा जी, पेट्रोल की वजह से ही. पहले चलते थे, घूमते फिरते थे, कभी जाते थे, अब परेशानी बढ़ जाती है. महंगा पेट्रोल डीजल डलवाते वक्त थकते नहीं हैं आप? क्यों नहीं थकते भैया, बिल्कुल थक रहे हैं. 2-3 रुपये बढ़ते थे जब पहले, जब तो सरकार रास्ते पर उतर आती थी कांग्रेस के लिए, पता नहीं क्या क्या बोलती थी. और अब जब खुद 30-30 रुपये बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पर इन्होंने GST लगाया हुआ है, इस पे क्यों नहीं लगा रहे? सब चीजों में परेशानी है भैया, इतनी कमाई नहीं है जितना खर्चा. हम तो गरीब आदमी भैया, कुछ नहीं कर पाते. हमारे 3-4 लड़कियां हैं, कैसे पालेंगे, कैसे करेंगे, घर वाला है नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं. जब भाजपा के नेताओं से सवाल होता है तो वे अजीबोगरीब बयान देते हैं. जब एक भाजपा नेता से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल हुआ था तो उन्होंने अफगानिस्तान जाने के लिए कह दिया था कि महंगाई चरम सीमा पे है. अपने तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में. अपन अपने देश की बात कर रहे हैं, 50 रुपए है वहाँ, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है. अपने 111 रुपए ऊपर बैठो तो है. कम से कम कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है. आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार है, आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस देश किस हालत से देश गुजर रहा है आपको मालूम है? इस चीज का जो है कैसे मोदी जी ने इसको संभाल के रखा हुआ है, आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, आप सोचिए कोई दे सकता है क्या? भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर ने बढ़ती महंगाई पर बयान दिया था और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा था. जो ये लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है. भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भी अजीबोगरीब बयान दे दिया था. उन्होंने सरकार द्वारा फ्री वैक्सीन दिए जाने का जिक्र कर बात को गोलमोल कर दिया था. महंगाई पे क्या कहेंगे सर, महंगाई लगातार जैसे बड़ी पेट्रोल गैस की कीमतें. देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं. आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा. और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया. और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे. अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो मोबाइल का कितना सस्ता होगा. हम उम्मीद करते हैं कि गोदी मीडिया बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरेगी और कीमतों में राहत देने के लिए दबाव बनाएगी. पंजाब टुडे रिपोर्ट. इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन.